Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Pappu Career Guide, a complete guide for all your career needs. फिर आज बात करेंगे तीन जो रिक्रूटमेंट जो फिर आपकी पहली कंपनी आपकी आई है फिर HPE की तरफ से, सेकेंड कंपनी आपकी विप्रो और थर्ड वन कंपनी आपकी HCL, तीनों के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तीनों का जो अप्लाई करने का लिंक है मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर अप्लाई कर सकते हो। तो फिर सबसे पहले बात कर लेते हैं HPE के बारे में। तो फिर HPE जो हायरिंग कर रही है सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल के लिए हायरिंग कर रही है, लोकेशन आपका बैंगलोर कर्नाटका होने वाला है। और फिर बात करें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, फिर बैचलर और मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस आई टी इन्फॉर्मेशन सिस्टम एंड रिक्रूटमेंट के लोग आप एलिजिबल है, अगर आपका एक टिपिकली 0 to 2 ईयर एक्सपीरियंस उसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आप बात करें नॉलेज एंड रिक्वायरमेंट का, तो लाइक आपका एक्सपीरियंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डिजाइन टूल्स एंड लैंग्वेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपका होना चाहिए और आपका इंग्लिश एंड लोकल लैंग्वेज, ठीक है, और गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए। अप्लाई सिंपल आपको अप्लाई करके अप्लाई कर देना है। फ्रेंड सेकंड फ्रेंड बात करते हैं विप्रो विल पर, फेज टू का हायरिंग स्टार्ट हो चुका है। फ्रेंड इसमें बताओ उसमें केवल बीएससी बीसीए एंड बीएससी वाले ही एलिजिबल, 2021 बैच के लोग एलिजिबल है और आपका 10th 12th में 60% आपका एवरेज, 10th 12th में बस पास होना चाहिए और आपका ग्रेजुएशन आपका 60% 6 CGPA होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर फिर देखेंगे तो सिलेक्शन प्रोसेस बात करें तो फिर आपका ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है 80 मिनट्स का, फिर उसके बाद आपका ऑप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है, फिर रिटर्न कम्युनिकेशन टेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सब कुछ लास्ट डेट अप्लाई है, फिर आपका लास्ट डेट अप्लाई है 15th of July। सिंपल आपको भी यहाँ पर अप्लाई ना करके अप्लाई कर देना है, ठीक है, और यहाँ पर आपका सब डिटेल्स देखने को मिल जाता है, ठीक है। फिर थर्ड में बात करें फिर विप्रो की तरफ से फ्रेंड जो देखने को विप्रो फ्रेंड अपना जो है विप्रो वर्चुअल रिक्वायरमेंट ड्राइव कंडक्ट करवा रही है, ठीक है, आप लोग इसमें चाहो तो उसमें अप्लाई कर सकते हो। उसमें सिंपल आपको फर्स्ट नेम, ईमेल, फोन नंबर, स्टेट, सिटी सब कुछ सेलेक्ट कर लेना है। फिर आप देखेंगे पासिंग यार आप जो भी कहीं से भी हो तो आप सेलेक्ट करके, ठीक है, 12th का आप कितना आपका फ्रेंड परसेंटेज है आप पर सिंपल आप रजिस्टर कर देना है, ठीक है। आगे फिर बात करते हैं फिर यहाँ देखने को मिल जाता है आपका वर्चुअल रिक्वायरमेंट ड्राइव प्रोसेस, फिर काउंसलिंग सेशन, एप्लीकेशन सबमिशन, एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटरव्यू, डिस्कशन एंड ऑफर लेटर रिलीज, ठीक है। तो यहाँ पर आप बात करें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, देखेंगे तो ऑफर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट फॉर इंजीनियरिंग प्रोग्राम एनी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट 65% आपका बोथ 10th 12th में होना चाहिए ग्रेजुएशन में भी, और आपका नो स्टैंडिंग एरिया पासिंग ईयर 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, ठीक है। और यहाँ पर आप सिंपल आप देखेंगे तो सब कुछ आप देखने को मिल जाएगा। तीनों का जो लिंक है मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर अप्लाई कर सकते हैं। फिर उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं आपको दूसरे वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत।